आज संगम का दिन है जब पितृपक्ष समाप्त हो रहा है और पुरुषोत्तम मास की शुरुआत होने वाली है। भारतीय संस्कृति में हर संगम का बहुत ही पवित्र अर्थ बताते हैं। नदी का संगम हो, व्यक्तियों का संगम हो और समय का संगम हो, तो संगम का बहुत महत्व है। और बहुत सुंदर रीति से हमने पिछले हफ्ते गुरुवार के दिन हमारे पितरों के प्रति अंजलि अर्पित की, तो आज भी जो हमारे इस 2 घंटे का प्रोग्राम है उसके अंदर हम शुरुआत करेंगे जैसे सूरज ढलता है और फिर दूसरे दिन सूरज उगता है, इसी तरह से पितृपक्ष आज ढल रहा है और पुरुषोत्तम मास का उदय हो रहा है। तो वो पुरुषोत्तम मास के उदय के पहले, एक पवित्र मास के उदय के पहले, हम अपने पिछले सभी कर्म बंधनों से मुक्ति का पहले योग करेंगे। आज विशेष सर्वपित्रीय मास है जहां पे हर पितरों के लिए लोग भोग लगाते हैं और उन्हें कागवास करते हैं, है ना। आज भी श्राद्ध मनाते हैं और सभी पितरों के लिए जिसे हम जानते नहीं है, कहीं पिछड़ गए हैं, कोई मेमोरी में है ही नहीं है, तो हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो सबसे पहले हम वो कर्तव्य का संपूर्ण पालन करें और फिर कल की सुबह का आवाहन करें। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने दिल में अपनी उस करुणा की मूर्ति को इमर्ज करें। स्वयं की स्थिति को, स्वयं के संस्कारों को वो संस्कार बनाएं जो प्रभु हमसे अपेक्षा रखता है। भगवान अपने बालक से यही आशा रखता है कि उसके दिल में सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। कुछ पल के लिए स्वयं को परमात्मा का करुणा का अवतार बच्चा स्वरूप में देखो। इस शरीर में बैठी हुई मैं आत्मा हूं, जिस स्थूल में हम कुर्सी पर बैठते हैं, सोफा पर बैठते हैं, वैसे मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। मैं स्थिर होकर बैठी हूँ, और अपने सत्य स्वरूप को देखती हूँ। मेरा सत्य स्वरूप
अति करुणामय है। मेरे दिल में बस यही तमन्ना है कि मैं सभी आत्माओं को सुख प्रदान करूं। सारा जीवन इसी में बिताया है मैंने। आध्यात्मिक ज्ञान में सुना है आत्मा जब शरीर छोड़ती है उस आत्मा को गति की आवश्यकता है। नए वस्त्र की आवश्यकता है। सुख और शांति संपन्न जीवन की इच्छा है। इस ज्ञान का प्रकाश मुझ में है। मेरे अंदर का ज्ञान का दीपक वे जगाती हूं। स्वयं को परमात्मा ज्ञान सूर्य के सामने उपस्थित करती हूं। मैं ज्ञान सूर्य परमात्मा के सामने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में हूं। मैं अब अपने सभी पितरों वो परिवार जन जिन्होंने शरीर छोड़ा है जिनका मुझसे घनिष्ठ संबंध था उन्हें ज्ञान सूर्य के सामने हाजिर करती हूँ। ये सभी मेरे आत्मिक जन संबंधी परमात्मा से रूहानी दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। इनकी आत्मा में बल भरता जा रहा है। अब मैं अपने सामने वो
विश्व का गोला देखती हूँ। इस विश्व में असंख्य चमकती हुई मणियां दिखाई दे। कई मणियां हैं जो शरीर ढूंढ रही हैं। परमात्मा की शक्ति इन भटकती हुई आत्माओं की गति का पथ स्पष्ट कर रहे हैं। उन्हें जीवन का रास्ता दिखाई दे रहा है। उन्हें शरीर प्राप्त हो रहा है। धीरे धीरे सृष्टि पर पवित्रता का वातावरण बनता जा रहा है। सभी पितर की आत्माएं तृप्त हो रही हैं। परमात्मा की सुख की अंजलि से भरपूर हो रही हैं। मुझ आत्मा का इस दिव्य कर्तव्य मेरा पुण्य का खाता जमा कर रहा है। मेरी झोली पुण्य से भरती जा रही है। मैं आत्मा पुण्यवान बनती जा रही हूँ। परमात्मा की शक्ति से मेरे सभी विघ्न नष्ट हो रहे हैं। मुझ में दिव्यता भरती जा रही है। मेरे चेहरे पर दिव्यता की रौनक स्पष्ट दिखाई देती है।
चेहरे की नस नस में दिव्यता का सुनहरा प्रकाश फैल रहा है। मेरा चेहरा सूर्य की किरणों के समान प्रज्वलित हो रहा है। और मुझसे रोशनी चारों ओर फैल रही है। मैं अति दिव्यमान आत्मा धीरे धीरे शरीर की सभानता में आ रही हूं। और नैनों से अपनी दिव्यता का प्रकाश वातावरण में फैला रही हूं। शांति शांति शांति। शांति। तो हमने अपने पिछले अकाउंट्स को क्लियर कर दिया। कर दिया कर दिया परमात्मा के प्रकाश के अंदर सारी अशुद्धियों को भस्म कर दिया और नई शुरुआत के लिए तैयारी की। कई समझते हैं कि ऐसे थोड़ी ही एक बार
सोचने से नई शुरुआत हो जाती है ना। पुराना तो आता है, पुरानी बातें आती हैं, आती है ना, लेकिन बार बार जब है तो आज का जो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, अधिक मास। आप में से कितने हैं, क्योंकि मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती हूँ कि जो आपने ऑलरेडी सुना है, आप में से कितने हैं जिन्होंने अधिक मास की कहानी ऑलरेडी जानते हैं और सुनी है, जानते हैं अधिक मास की कहानी, जानते हैं? नहीं जानते ठीक है। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ, give me a second। वैसे मैं कोई बाय प्रोफेशन कोई महाराज नहीं हूँ और ना ही मुझे कुछ ऐसी कथाएं करना आता है, तो लेकिन सार मैं समझा देती हूँ, क्योंकि वो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और ना ही कोई मेरा ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है, लेकिन मैंने हमेशा हर कथा का सार समझा है। अधिक मास को जो है वो पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, और पुरुषोत्तम मास के साथ साथ इसे मल मास भी कहा जाता है। कितनों ने सुना है ये मल मास कहा जाता है इसको? उसे मलमास भी कहते हैं, राइट? तो उसे मलमास क्यों कहते हैं? और अधिक मास का मुझे कोई आपको ज्योग्राफी का लेसन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट, क्योंकि हम वशिष्ठ सिस्टम के हिसाब से लूनार कैलेंडर को फॉलो करते हैं, है ना, भारतीय संस्कृति जो है वो लूनार कैलेंडर को फॉलो करती है, और बाकी सब दुनिया में जो है वो सोलार कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो लूनार कैलेंडर जो है वो जो चंद्र की गति के हिसाब से हर साल में 10 दिन जो है वो शॉर्ट होते हैं सोलार कैलेंडर के हिसाब से। सो 10 10 10, सो एवरी 3 इयर्स जो है वो अधिक मास आता है, सो दैट दे कम इनटू पार, दोनों साथ में आ जाए। तो ये उसकी ज्योग्राफी की थियोरी है, लेकिन कई शास्त्रों में, और मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि मैं कुछ गलत ना बोलूं, इसलिए कई शास्त्रों में जो है इसकी कहानियां हैं, और इसे अधिक मास क्यों कहते हैं और पहले मल मास क्यों कहते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि अधिक मास के अंदर कई प्रकार की जो है ना अच्छी बातें नहीं करते हैं, एग्जांपल घर नहीं लेते हैं, अधिक मास में शादी नहीं करते हैं, सारा काम मतलब मुंडन नहीं करते हैं, राइट, यज्ञोपवीत नहीं करते हैं, तो ये सब अधिक मास में नहीं होता है। तो वैसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि 12 महीने जो है, जो हमारे हिंदुस्तान की और भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो 12 महीने हैं, उसकी 12 राशि है, राइट, और राशि के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी बनती है, राइट। राशि जो भी है, राशि का एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है वो राशि के ऊपर से है। अब जो 12 महीने हैं, उसके जो शास्त्रों के हिसाब से 12 उसके देवी देवता हैं, हर मास के कोई ना कोई देवी देवता है, लेकिन क्योंकि ये जब अधिक मास की जो सिस्टम शुरू हुई, और वो सिस्टम शुरू हुई कलयुग के आदि में, तो कलयुग के आदि में ये अधिक मास की जब सिस्टम शुरू हुई, तो जब देवी देवताओं की बातें करते हैं, एक शास्त्रों का रिलेट करते हैं, तो मुख्य दो कहानियां कहते हैं कि जब नारद मुनि को कई ऋषियों की जो है वो उनका यज्ञ चल रहा था समथिंग, और फिर उस वक्त जो सुत मुनि है वो वहां से पसार हो रहे थे, और उनको पूछा कि हमें ये जो अधिक मास जो है उसका आप महत्व समझाएं। तो उन्होंने कहा कि ये तो नारद के, फिर उन्होंने ये स्टोरी स्टोरी बाय स्टोरी, उसके अंदर इतनी सारी इनसाइड स्टोरी है, लेकिन बॉटम लाइन कि कृष्ण ने पांडवों को ये जो है अधिक मास का जो है वो महत्व समझाया था,
इसके लिए कहा जाता है ये जो 12 मास है उसमें से जब वो अधिक मास था तो अधिक मास को मल मास कहते थे। माना कि जैसे जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है ना, उसको अनाथ कहा जाता है। और अनाथ बच्चे को जो है लोग क्या कहते हैं, वो रहम के हिसाब से रहता है, राइट। तो अधिक मास को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, दे वर नॉट पार्ट ऑफ दैट गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो गॉड्स एंड गॉडेसेस थे उसमें अधिक मास को एंट्री नहीं देते थे, क्योंकि कहते हैं क्योंकि अधिक मास के अंदर जो है ना संक्रांति होती है, हर मास में संक्रांति होती है, तो अधिक मास में कोई संक्रांति नहीं होती थी। और इसीलिए अधिक मास के अंदर न राशि होने की वजह से न संक्रांति होने की वजह से कोई भी मुहूर्त नहीं होते हैं। और मुहूर्त न होने की वजह से, बिना मुहूर्त के आप शादी कैसे करेंगे, बिना मुहूर्त के आप कोई ऑस्पिशियस काम कैसे करेंगे। इसलिए अधिक मास में ऑस्पिशियस काम नहीं होते थे, क्योंकि उसमें मुहूर्त ही नहीं था। क्योंकि सूर्य में, ये चंद्र का कैलेंडर है ना, तो सूर्य की दशा नहीं है अधिक मास में, तो सूर्य की दशा नहीं है, तो इसलिए सूर्य की दशा नहीं है तो उसकी कोई राशि नहीं है, राशि नहीं है तो उसका कोई मुहूर्त नहीं है। तो उस वजह से जब इसे, जब मिथोलॉजी के हिसाब से, तो जब ये अधिक मास को डिस्कार्डेड किया जाता था, उसे मलिन कहा जाता था, उसे लाइक अनाथ कहा जाता था, उसकी अवगणना की जाती थी, तो वो दुखी हो गया। तो वो दुखी हो गया, तो अधिक मास को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पुरुषोत्तम माना वो विष्णु का मंथ है, विष्णु को पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो वो विष्णु के पास गए, तो विष्णु के पास गए तो विष्णु ने कहा कि क्योंकि क्योंकि विष्णु लोक जो है वहां पर जो है वो दुखी नहीं होते हैं, तो अधिक मास की जो देवी थी उसने कहा या तो आप मुझे नष्ट करो और या तो मुझे मेरा कोई सॉल्यूशन दो, क्योंकि इस तरह से मुझे अगर अवगणना की जाती है तो मुझे इस बात से बहुत ही दुख होता है। तो जो विष्णु थे, अभी ये कहानी आपको, ये कहानी इसलिए सुननी है कि लेटर मैं आपको इस कहानी का कनेक्शन बाबा के नॉलेज के साथ दिखाऊंगी, क्योंकि कहानी नहीं समझेंगे तो बाबा के कनेक्शन, नॉलेज का कनेक्शन नहीं समझेंगे। तो फिर वो विष्णु जो है वो उसे कृष्ण के पास ले गए। अभी विष्णु गौरीपुरी जो है उसे वैंकुट कहा जाता है, विष्णु वैंकुट का मालिक है, और कृष्ण की जो पुरी है उसे गोलोक कहा जाता है। तो कृष्ण जो है वो विष्णु जो है वो अधिक मास की देवी को कृष्ण के पास, तो कृष्ण के पास जब ले गया तो कृष्ण ने कहा कि यहां तक पहुंचने के लिए भी, गोलोक में पहुंचने के लिए भी ऋषि मुनियों को करोड़ों यज्ञ और तप करना पड़ता है, तब जाके ये इस गोलोक की प्राप्ति होती है। तो तुम यहां पर आई हो, तुम मेरे पास याचना कर रही हो, तो जो जिसे दुनिया ठुकराती है, जिसे दुनिया जिसकी अवगणना करती है, वो जब हरि शरण में आता है तो हरि शरण में आने से हरि जो है उसकी सारी दुख और पीड़ा जो है वो हर लेता है, इसीलिए उसे हरि कहा जाता है। तो कृष्ण ने फिर, कृष्ण ने क्या कहा कि अब आज से लेकर मैं तुम्हें अपनी सभी शक्तियां, सभी दिव्य प्राप्तियां और सभी जो है वो मैं तुझ में भर रहा हूं, और इस मास में जो भी कर्म करेगा, जो भी मेरी आराधना करेगा, उसे 100 से करोड़ों, कहते हैं कि 100 अश्वस का जो दान करते हैं उससे भी बड़ा पुण्य जो है उसे इस मास के अंदर जो भी ये क्रिया कर्म करेगा, मेरी याद में रहेगा, मेरे अर्थ दान पुण्य करेगा और सदा अखंड दीपक जलाए रखेगा, तो इस महीने का जो पुण्य है वो 12 महीने के पुण्य से 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। और मैं, क्योंकि मैं तुम्हें, क्योंकि कृष्ण की विशेषता थी ना, कृष्ण की 16108 रानियां हमने कोर्स में आपको कराया है कि 108 रानियां तो थी नहीं, कृष्ण की क्या विशेषता थी, जो भी याचना करना चाहता था वो उसे अपना बना लेता था, वो उसकी पत्नी बन जाती थी,
राइट right? तो वो उसने अधिक मास को जो है वो अपना बनाकर अपना सारा का सारा जो जो भी दिव्यता का जो भी आशीर्वाद का जो भी रिद्धि सिद्धि जो भी थी वो अधिक मास को प्राप्त करा दी। और उसने कहा न सिर्फ तुमको ये प्राप्ति होगी लेकिन जो तुम्हारे महीने के तुम्हारे समय में अधिक मास के समय में जो भी कहते हैं कि आप उपवास करो, जो भी उपवास करेगा, और हमारे गुजराती में एकटाणा बोलते हैं राइट, तो जो भी एकादशी करेगा एकटाणा करेगा या उपवास करेगा तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद न सिर्फ ये सारी प्राप्ति तो होगी लेकिन आज से मैं अपना नाम भी तुम्हें को देता हूं और आज से तुम्हारा नाम अधिक मास या मल मास नहीं लेकिन पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। और उसके बाद जो है कलयुग के आरंभ से फिर ये पुरुषोत्तम मास के रीति से इसकी भक्ति में बहुत बड़ी महिमा शुरू हो गई। अब इसके अंदर कई प्रकार के रिचुअल्स बताए हैं और उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस अधिक मास में सबसे पहले जो भगवद गीता का चैप्टर 15 है, 15वां अध्याय है, उस 15वें अध्याय का पूरा टाइटल है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग जो है वो 15वां अध्याय है। तो गीता का जो 15वां अध्याय है उसके अंदर क्या लिखा है वो अभी हम पढ़ेंगे। पुरुषोत्तम माना पुरुषेषु अति उत्तम पुरुषोत्तम। इस मास को भगवान विष्णु को के लिए पूरी तरह से ये समर्पित मास है। ओके और आपको है ना मैं वीडियोस भेजूंगी इसके, तो आप शांति से प्यार से अधिक मास का एंजॉय कीजिए। ओके आपको पिक्चर विक्चर लेने की अभी जरूरत नहीं है, मैं आपको 2 दिन के अंदर ये वीडियो दे दूंगी। तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट एंजॉय एंजॉय दिस टाइम। ओके तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन में जो 15वें अध्याय है जो पुरुषोत्तम योग है उसमें भगवान ने कहा है कि मेरा गोलोक तपस्या करने वाले माना इस अधिक मास में तपस्या करने वाले महात्माओं की पवित्र गतिविधियों में उन लोगों के लिए ये अप्राप्य है। माना महात्माओं से भी ज्यादा पुण्य जो है वो अधिक मास में जो परमात्मा की स्तुति करेगा उसके लिए है। जो ब्रह्मचर्य बनाए रखते हैं, ये 15वां श्लोक है, ये मेरा श्लोक नहीं है, ये भगवद गीता का श्लोक है। जो ब्रह्मचर्य बनाए रखते हैं या जो अपने पूरे जीवन की अवधि का उपवास करते हैं, लेकिन एक भाग्यशाली व्यक्ति जो मेरे निर्देशन का पालन करता है और इस पुरुषोत्तम महीने को ठीक से देखता है और विश्वास योग्य तरीके से मेरी पूजा करता है, उसे इस जीवन में प्रसिद्धि समृद्धि और सभी प्राप्ति होगी। वो मेरा कट हो गया है। एक सुखी जीवन का आनंद लेने के बाद वो वापस गोलोक धाम में लौट जाएगा और फिर कभी इस अस्थाई दुखी दुनिया में वापस नहीं आएगा। अभी जो हमारे में से जो रेगुलरली मुरली सुनते हैं ये फेमिलियर लगता है? ये Yes. और ये 15वें अध्याय में है। अभी 15वें अध्याय में बहुत सारे श्लोक है लेकिन इसका सार ये है। अभी अधिक मास के अंदर कई प्रकार की रिचुअल्स करने के लिए कहा गया है राइट। और वो कौन से रिचुअल्स है जो अधिक मास में कहने का रेकमेंडेड है वो देखते हैं और उसका फिर कनेक्शन मैं आपको ज्ञान से समझाऊंगी। तो अधिक मास के अंदर जो है वो उसका पालन, अधिक मास के व्रत का पालन कैसे करते हैं। अधिक मास में आप भगवान के गुणों रूपों और जप का ध्यान करो। एक महीने तक, अभी इसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं,
एंड यू ऑल नो आई एम नॉट टू मच इनटू स्टोरी पर्सन यू नो, बट जो ज्ञान है उसके अंदर का, कि एक महीने के लिए जो अधिक मास है ना उसके अंदर लोग ब्रह्मचर्य रखते हैं, और वो ब्रह्मचर्य के अंदर फिर शास्त्रों में ये भी कहा गया है ब्रह्मचर्य रखना है, जमीन पर सोना है, इसी प्रकार की कौन सी प्रकार की चटाई में सोना है, ये सब कैसे करना है वो बताया गया है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आपको कल से चालू नहीं करना है, है? दूसरा, सूर्योदय से पहले दैनिक स्नान करके एक पवित्र स्थान में एक महीने में कम से कम 3 दिन जो है वो आपको उसकी विशेष पूजा करनी होती है। ये सब शास्त्रों का बता रही हूं मैं कि ऐसे लिखा गया है, ये सब भगवद गीता में लिखा है। फर्श पर बैठकर पत्ती के प्लेटों में खाना है, पता है ना हम लोग पहले पत्राले में खाते थे, पत्ते में खाते थे ना, पत्ते में खाते हैं। फिर दूसरा जो है सात्विक भोजन होना चाहिए और सूर्यास्त और दोपहर के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब दोपहर के बाद खाना चाहिए, सुबह से लेके शाम तक खाना भोजन नहीं करना, वही मैंने कहा ना उपवास करना चाहिए जो उन्होंने शास्त्रों में बताया है। पूरा महीना शांतिपूर्ण और सच्चा रहने का संकल्प करना है, सत्यता का पालन करना है। किसी भी इस मास के अंदर आप किसी भी भगवान के श्रद्धालु को ब्राह्मणों का, संतों का, गायों का, शास्त्रों का, ये किसी भी प्रकार का व्रत करने वाले का अगर आप अपमान करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो फिर उसका आपको दोष लगता है। अभी ये सारा आप पहले शास्त्रों का देख लो, फिर मैं आपको उसकी एनालॉजी समझाती हूँ। दूसरी बात, आपको मंदिरों के चारों ओर दैनिक परिक्रमा करनी है, वो सर्कल में जाते हैं ना, राइट? और प्रतिदिन आपको घी का दीपक अर्पित करना है। दैनिक भागवत श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से भगवान ब्रह्मा की कृष्ण की प्रार्थना अध्याय में 14वें अध्याय में कहा गया है, और भगवद गीता के अंदर 15वें अध्याय जो है, ये 3 अध्याय आपको पढ़ने हैं वैसा कहा गया है। माना आपको भगवान के ब्रह्मा और कृष्ण की प्रार्थना, अभी अलार्म बज रहे हैं, राइट? ज्ञान के अलार्म बज रहे हैं। दूसरी बात, ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर पवित्र महीने के दौरान उपवास करना है। अभी मैं आपके लिए ब्राह्मण हूं, कथा कौन सुना रहे हैं? ब्राह्मण को, अभी मेरे को कितना अच्छा 67 लोगों की दक्षिणा मिलेगी। तो क्लास के अंत में 67 भाग नहीं जाना कि चलो अभी भाग जाते हैं वरना दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं करना। 67 है ना, बने रहना, मैं आपको अंत में मेरी क्या दक्षिणा है ना वो बताऊंगी। तो दक्षिणा देंगे कि नहीं देंगे? अभी बोला है अधिक मास शुरू होगा, ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देंगे तो फिर वो आरोप मिलेगा। दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, देंगे सिस्टर, देंगे देंगे देंगे, बाबा को सब कुछ दे दिए तो फिर ये तो छोटी बात है। तो 69 लोग हैं, सारे के सारे कमिटमेंट देना कि अंत तक ये कहानी सुनेंगे, कथा सुनेंगे और दक्षिणा देकर जाएंगे 2 घंटे के बाद। यस, ओके। सो और कहा जाता है कि ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान देना है, उपवास रखना है। ऐसा कहा जाता है कि अधिक मास में उपवास रखने से 100 यज्ञ करने से के बराबर पुण्य मिलता है। अभी क्या नहीं करना है इसके डिटेल में अभी फिर मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन अभी क्या नहीं करना है तो अभी इसके अंदर क्या नहीं करते, अभी क्यों नहीं करते हैं उसका कारण मैं आपको बताऊंगी। गृह प्रवेश नहीं करते हैं, नवजात बच्चे का मुंडन नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं, किसी भी, देखो ज्ञान जिसने सुना है पक्का समझा है, किसी भी मूर्ति की स्थापना नहीं करते हैं, मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं करते हैं। दूसरा, अन्य प्रशन विधि होती है, माना जो है कि एक ये रिचुअल है शास्त्रों में, वो नहीं करते हैं। विस्तार और नवीनीकरण नहीं शुरू करता है, माना नया घर नहीं लेते हैं,
गृह प्रवेश नहीं करते हैं, है ना, क्या और क्या कहते हैं वो, कलश विधि करते हैं ना, नया प्लॉट लेते हैं तो नया बिजनेस नहीं करते हैं, राइट। फिर नया भूमि पूजन, भूमि पूजन, भूमि पूजन या भूमि पूजन नहीं करते हैं, और तामसिक भोजन नहीं करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ये सब इसमें अधिक मास में नहीं करते हैं। तो ये लिस्ट तो लिख लो, एक महीने तक ये नहीं करना, ये पहली दक्षिणा। दक्षिणा वो तो ऑलरेडी हो गई, आपकी हो गई ना बहन, आपके अकेले की हुई ना, तो आपके लिए मैं डबल दक्षिणा मांग दूंगी, दूसरी मांग लूंगी, इट्स ओके, दूसरी मांग लूंगी। वैशाली बहन, हाँ बोलो। नवजात बच्चे का मुंडन संस्कार नहीं करना है, ये क्या है? वो बच्चा होता है, बच्चे का कुछ समय के बाद उसका वो मुंडन नहीं करते, और टक्को करावे ना, ये पहला मुंडन, मतलब पहला मुंडन, बाबरी उतारे जूना वार करने के, ओके। तो ये सब नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं अभी समझ में आ गया, उसके आगे फिर हम आगे बाद में जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं ये क्यों कहते हैं ऐसा, कि क्या नहीं करना है क्या करना है। तो जब ये कहते हैं तो मुख्य जो है ना, ये सब चार ही लिस्ट है, उसमें से चार पांच बाकी बातें जो है वो मुख्य है। एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, दूसरा अमृत वेले 4:30 बजे उठना, मतलब कहते हैं प्रातः उठना है, और ये शास्त्रों में गीता में लिखा है 4:30 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, ओके। फिर कहते हैं उपवास करना है, फिर कहते हैं निरंतर कृष्ण का जाप करना है, फिर कहते हैं ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी है, कहते हैं दान पुण्य बहुत करना है, कहते हैं यहाँ, और दूसरा कि अगर आप ये सब विधियां करते हैं, रोज मंदिर में जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उपवास करते हैं, ये सब करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है, राइट। तो लोग ने रिचुअल बहुत कर दिए हैं कि ये सब रिचुअल करते हैं और लिटरली करते हैं, राइट, अधिक मास में, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, ये कृष्ण का मास है, तो जो हवेली होती है, यू नो, एक जो कृष्ण की हवेली होती है, तो कितने प्रकार के उसके दर्शन होते हैं, क्योंकि कृष्ण ने अपना स्वरूप, उसने कह दिया कि ये सारा मेरा ही अधिक मास, माना मैं बस, जैसे अधिक मास के साथ अगर उसके अंदर मेरे साथ रहते हो तो तुम मेरे साथ रह जाते हो, राइट, यू नो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। तो ये महात्म्य जो है वो अधिक मास का है, हमने इतने जिंदगी जी डाली, कितने अधिक मास किए ऐसे, और इसीलिए शास्त्रों की एक स्टोरी है कि जिसके अंदर नारद ने ये पूछा था कि लोग जो है, नारद ने विष्णु से पूछा था कि भगवान लोग जो है वो इतनी योनियों में से जाकर जब मनुष्य योनि में आते हैं तो मनुष्य योनि में आते हैं तो फिर हम तो ये सारी मनुष्य योनि भी खा पी के मजा करने में ही डाल देते हैं, वो तो पूरी व्यर्थ चली जाती है, तो पुण्य तो कमाते नहीं है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, 12 महीने का स्केड्यूल होता है। तो भगवान ने कहा कि ये जो अधिक मास है उसके अंदर वो जो 12 महीने नहीं किया है वो आप उस एक मास में करके कैचअप कर सकते हैं, नो, यू कैन जस्ट गो इन टू दैट स्पीड। तो वो इसलिए कि अभी ये महीना जो है 12 महीना नहीं किया, अभी ये महीने में करो, राइट। तो ज्ञान की रीति से अगर हम देखते हैं तो पहले उपवास किस चीज का करना है, तो कहते हैं उपवास माना उपनिकटवास, माना परमात्मा में के अंदर मेरा मन, मेरा तन और मेरा धन जुड़ा रहे। और इसीलिए जब यज्ञ बनाते हैं तो यज्ञ के अंदर आहुति होती है, तो विशेष रूप से 3 आहुति होती है, जौ की होती है, तिल की होती है और घी की होती है। तो जो जौ की होती है माना हमारा शरीर, तिल की होती है माना हमारा मन, शरीर है मन, और घी की होती है माना, घी माना जो शक्तिशाली जो है वो है हमारा धन। तो हमारा तन मन धन मैं स्वाहा करती हूं,
और जब मैं वो स्वाहा करती हूँ तो उस स्वाहा से जो मुझे प्राप्ति होती है वो वैकुंठ की होती है। तो परमात्मा के अर्थ, परमात्मा यज्ञ के अर्थ जब मैं स्वाहा करती हूँ तो मुझे 100 यज्ञ से भी ज्यादा उसका फल मिलता है। दूसरी बात कहते हैं कि तुम्हें ब्राह्मणों को दान करना है। ब्राह्मणों को दान इसलिए करना है, जैसे हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि ब्राह्मण माना ब्रह्म के आचरण में चलने वाली आत्माएं। परमात्मा ने जो भी भगवद गीता को हो या किसी भी शास्त्रों में जो कहा है, उस शास्त्रों को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, धारण करने वाली आत्माओं को ब्राह्मण आचरण की आत्मा कहा जाता है। तो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, माना जो ऐसा कर्म करती है वैसी आत्माओं को तन मन धन स्वाहा करना है, उसके प्रति धन मन धन स्वाहा करना है। तो कहा भी जाता है ना कि पुण्य तभी बनता है जब योग्य आत्माओं को देते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि उसके अंदर अधिक मास में और एक शास्त्र में लिखा है कि दीप दान करते हैं। दीप दान का भी बहुत महत्व है अधिक मास में। तो दीप दान माना क्या कि अपनी आत्मा की ज्योति का, अपनी आत्मा की ज्योति का दीपक जो है और अखंड दिया जलाते हैं। अधिक मास में कई लोग अखंड दिया जलाते हैं। तो आत्मा की ज्योति का जो दीपक है वो सदा मेरा इस मास में जला रहे, और इसी और उसका दान करना माना क्या, वो ज्योति मैं सिर्फ अपने तक नहीं रखूं लेकिन उस ज्योति को मैं आगे बढ़ाते चलूं। किसी के जीवन में अंधियारा है तो अपनी ज्योति से उसके जीवन के अंदर भी मैं उजियारा लाऊं। तो वो अखंड दिए की बात कही गई है। और दूसरी बात भी कहते हैं कि आपको भगवद गीता का पठन करना है, मंदिरों में जाना है, राइट, रोज एकाग्र होके मंत्र उच्चार करना है। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि मंत्र उच्चार करते हैं तो कई बार क्या होता है कि ऐसी हमारे जीवन की कई एक्टिविटीज है, जैसे कि हम जब अभी डिशवॉशर में जब हम डिशेस डालते हैं सोचना पड़ता है नहीं, राइट, नहीं सोचना पड़ता है। इसी तरह से कई बार हम सब्जी काटते हैं या लॉन्ड्री करते हैं तो बुद्धि को ज्यादा लगाना उसमें नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मोनोटोनस जॉब हो गया है। और कभी कभी तो ड्राइविंग भी करते हैं तो भी वो हमारे लिए मोनोटोनस हो गया है तो हम दूसरा सोचते हैं, राइट। तो इसी तरह से जब हम मंत्र करते हैं, पूजा करते हैं, तो एक बार, दो बार, तीन बार करने से क्योंकि मन के लिए वो मोनोटोनस हो जाता है तो वो तुरंत ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए गीता में कहा है मन मना भव, तन मना भव नहीं, राइट। तो मन मना भव माना क्या, मन से मुझे याद करो। अभी मन से मुझे कैसे याद करेंगे, बुद्धि तो सारा दिन अटकी नहीं रहती है। और इसीलिए कहा है कि एक उपवास करो। उपवास करो माना एक को याद करो, एक टाड़ा करो माना एक के साथ ही मेरी तार जुटी रहे, राइट। एक बार खाओ माना एक ही के साथ रहो, एक ही याद में रहो और उसके साथ ही मेरी तार जुड़ी रहे। और हमने खाना बंद कर दिया, एक बार खाना नहीं खाएंगे, सारी दुनिया को बताएंगे उपवास किया आज, आज मेरा उपवास है, राइट। तो वो उपवास का भी प्रमोशन करेंगे, राइट। तो वो सब तो फिर नहीं, वो एक आध्यात्मिकता की रीति से तो फिर उसका, अभी आपको लगता है कि हम उपवास करें और 4 टाइम उसके अंदर खाना खाए, फिर उसके अंदर खाने को याद ज्यादा करें तो कृष्ण को याद तो कम रहता है। जिसने भी भगवद गीता में कृष्ण को याद किया तो कृष्ण तो याद नहीं किया ना, कृष्ण की रिप्लेसमेंट किसने किया फिर, सुखेवा कृष्ण का रिप्लेसमेंट खाने ने किया। हमारे बॉम्बे के अंदर मराठी जो है ना, दामिनी बहन, रूपाली बहन को पता होगा, वो गटारी अमास करते हैं, कुछ करते ना, आई थिंक सो, वो गटारी अमास में ना इसी में करते हैं, अधिक मास में ही करते हैं कि वो ड्रिंक नहीं करते हैं,
अगर आप गटारिया मास गणपति ना आवा पहला समथिंग समथिंग करते दे हैव टू जस्ट बिकॉज़ दे कांट ईट ड्रिंक ड्यूरिंग गणपति टाइम सो दे डू दैट तो एक ये बॉम्बे में बहुत मशहूर है गटारिया मास तो उसके अंदर उसके बाद क्या होता है जब वो अमास खत्म होती है ना तो सारे बियर बार एकदम जाम हो जाते हैं क्योंकि हमने इतने समय से ड्रिंक नहीं किया है तो उसके ऊपर डबल टूट पड़ते हैं राइट तो ये जो रिचुअल्स है वो कोई फोर्सफुल नहीं है और क्योंकि हमारे पुरखों ने बताया है माँ बाप ने बताया है डर से करते हैं तो कोई भी रीति को जब हम डर से करते हैं कोई भी विधि को भी डर से करते हैं तो उसकी प्राप्ति जो होनी चाहिए उतनी होती नहीं है और जब इस समय को पुरुषोत्तम समय कहा जाता है तो पुरुषोत्तम बनने के लिए धारणाएं करनी पड़ती है और इसके लिए ही शास्त्रों में भी लिखा है कि एक महीने तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ब्रह्मचर्य का पालन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे हमारा संयम बढ़ता है। संयम के लिए, फोकस के लिए, तप के लिए, साधना के लिए हमेशा त्याग की आवश्यकता होती है। और इसीलिए क्या मैं कैपेबल हूं, मेरी कैपेसिटी है, क्योंकि त्याग से बल बढ़ता है। अगर आत्मा को बल भरना है ना तो इवन परमात्मा भी कहते हैं जित त्याग में ही भाग्य है, त्याग करोगे तो सामने भाग्य चल कर आएगा। त्याग करने वाले का भाग्य का दरवाजा परमात्मा खुद खोल देते हैं। अभी ये जो सिर्फ पुरुषोत्तम मास की महिमा की है ना, तो जैसे हमने आपको कहा कि ये संगम की बात, तो जब परमात्मा आते हैं, अब ये सारा जो भी कृष्ण की भगवद गीता के अंदर जो कृष्ण की लीला के अंदर बताया गया है और ये भी बताया गया है कि अगर आप अधिक मास करते हैं ना तो कृष्ण की लीलाओं का भी आपको पठन करना है, कृष्ण की लीलाओं को जानना है। अब लीलाओं को जानना है माना क्या कि परमात्मा जब इस समय धरती पर जिस समय पर आए उसने जो कर्तव्य किया उसके हर कर्तव्य को दिव्य बुद्धि से समझना, माना पुरुष में उत्तम बनना। तो परमात्मा जब आते हैं तो यही धारणाएं जो भागवत गीता में बताई है जो चालू हुआ था कलयुग के आदि में और ऑलरेडी ऋषि मुनियों को ये क्वेश्चन था कि कलयुग में क्या होगा आत्माओं का अगर उनकी बुद्धि इसी विकारों के अंदर भटक गई तो उन्होंने ऐसे रीति नियम तो बना दिए लेकिन रीति नियम मर्ज हो गए और उसका जो महत्व है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो आत्मा उससे दूर हो गई। और फिर जब कलयुग का अंत आने लगा तब परमात्मा स्वयं आकर वही गीता का ज्ञान एक साधारण तन में, क्योंकि परमात्मा ने गीता में कहा है एक मूढ़मती आत्मा मुझे नहीं पहचान सकती, एक मूढ़मती आत्मा दिव्य बुद्धि के बिना मुझे नहीं देख सकती, मुझे नहीं पहचान सकती, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे दिव्य दृष्टि के बिना कोई नहीं पहचान सकता। तो परमात्मा जब इस धरा पर आए और हमने परमात्मा को पहचाना और उसके ध्यान उसके ज्ञान को समझा और उसके ज्ञान के ही ज्ञान में एक का ही व्रत जब हम लेते हैं, एक का साथ, एक का नाम, एक की याद, एक का श्रीमत, इस सभी एक 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 का पालन करते हैं तब हमें परमात्मा गोलोक में ले जाते हैं जहां पर फिर इस दुख की दुनिया नहीं है। ज्ञान कुछ समझ में आया? ज्ञान का कोरिलेशन समझ में आया? परमात्मा ने जो भी धारणाएं बताई है, राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। परमात्मा ने ये जो भी नॉलेज बताया है ना, अभी उसका हम कनेक्शन भगवत गीता के चैप्टर 15 से करेंगे।
परमात्मा ने कहा कि कलयुग के अंत में जब ही ये ऋषि मुनियों ने सबको क्वेश्चन पूछा, नारद को क्वेश्चन पूछा और वो दुखी हो गई थी, अधिक मास दुखी हो गई थी, तब जाके कृष्ण ने जो है, पुरुषोत्तम ने जो है, उसने अपना नाम दिया। तो जब परमात्मा कलयुग के अंत में अवतरित होते हैं, उस युग को परमात्मा ने पुरुषोत्तम युग का नाम दिया। वो एक महीने का युग नहीं है, वो 100 साल का अप्रोक्सीमेटली युग है। गीता की सारी धारणाएं जो परमात्मा ने जब स्वयं अवतरित होके वही धारणाओं का हमें आध्यात्मिकता से अपने जीवन के साथ कनेक्शन समझाया, तो वो धारणा हमारे लिए करना बहुत ही आसान होने लगा, बहुत इजी होने लगा। और इसीलिए अगर आप देखते हैं तो शिव परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं, बच्चे ये जो समय है, ये जो तुम्हारा जीवन है, वो पुरुषोत्तम बनने का जीवन है। एक पुरुषोत्तम नहीं बनता है, और कहते हैं ना पूर्ण पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम के लिए कहा, क्या कहा जाता है? पूर्ण पुरुषोत्तम। और वो पूर्ण पुरुषोत्तम बनना माना सतयुग के गोलोक में जाना, कृष्णपुरी में जाना। अभी कृष्णपुरी में अगर परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि कृष्णपुरी नाम की कोई पुरी है, तो आपको नहीं लगता है कि हमको मानना चाहिए कि कृष्णपुरी नाम की कोई पुरी है? अभी जो पीछे जिन्होंने भी शास्त्र लिखे हैं या कुछ भी लिखे हैं, अभी चलो कुछ तो बेस होगा ना, कोई तो मिथोलॉजी के ऊपर, कोई तो साइकोलॉजी होगी ना, कोई तो फिलोसॉफी होगी ना, और उसके अंदर कुछ तो अर्थ होगा ना, और उस अर्थ का कोई तो उसके अंदर फायदा होगा ना, लाभ होगा ना। तो उसके बेस के ऊपर जो भी गीता के अंदर ज्ञान लिखा गया है वो प्रायलोप हो गया है। परमात्मा का जब ज्ञान प्रायलोप हो जाता है तो परमात्मा को कराने के लिए खुद आना पड़ता है। तो वो जो युग है वो पुरुषोत्तम युग है। अधर्म और अंधकार का साम्राज्य का विनाश होता है, और इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा कि शास्त्रों में लिखा गया है कि पुरुषोत्तम मास के अंदर शांति और सभ्यता से जीवन जीना है। तो बाबा ने क्या बताया कि हमें हर आत्मा के साथ शांति पूर्ण रीति से व्यवहार करना है, बताया कि नहीं? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मुझे शांत स्वरूप रह के सबके साथ व्यवहार में आना, बताया ना? ब्रह्मचर्य की पालना क्यों करनी है? क्योंकि देवी देवताएं विकार में नहीं जाते हैं, हम आत्माएं संस्कार जैसा होगा वो लेकर जाती है। आपको क्यों लगता है कि आप जो है वायलेंस नहीं कर सकते हैं, हम वायलेंस नहीं बन सकते हैं, हम हाथ में बंदूक नहीं उठा सकते हैं? आपको लगता है कि आप बंदूक उठा के किसी को मार सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये क्यों नहीं कर सकती आत्मा? क्योंकि आत्मा के अंदर संस्कार नहीं है, हमारे में वायलेंस के संस्कार नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो वो ही संस्कार, बाबा कहते हैं वो ही संस्कार को और उज्जवल बनाकर और डिवाइन बनाकर हमें बाबा ऐसा बनाते हैं कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम की दुनिया में जाएं, राइट? फिर धारणा बताई कि एक की याद में रहो और दिया जलाते रहो। तो कौन सा दिया? स्थूल दिया तो कब तक जलाते रहेंगे? भूल जाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे तो क्या करेंगे? दिया लेके तो नहीं जाएंगे ना, होटल में तो नहीं जलाएंगे, राइट? होटल में जलाएंगे तो फिर वो उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वो तो नहीं हो सकता है। तो स्थूल दिया तो नहीं लेकर जा सकते हैं। तो बात वो आत्मिक दिए की बात है। तो जो आत्मा का दिया है वो अधिक मास में अखंड जगा रहे, अर्थात पुरुषोत्तम युग के अंदर मेरा आत्मिक स्वरूप का चिंतन, आत्मिक स्वरूप का मंथन, आत्मिक स्वरूप का अनुभव, उसकी अनुभूति और उसका स्वरूप सदा जलता रहे। और वो जब जलता रहेगा तो मेरे अंदर वो मेरे अंदर जो वो दिव्य गुण है, वो सभी दिव्य गुणों की जो है वो
धारणा होती जाएगी, दिव्य गुणों की धारणा होती जाएगी, मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी, जो चैप्टर 15 में भगवद गीता में कहा गया है कि अगर तुमने इस युग के अंदर सिवाय मेरे न शादी में, और ये देखो अभी क्या नहीं करना है, शादी नहीं करनी है, नया मकान नहीं लेना है, मुंडन नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये क्यों नहीं करना है, ये स्थूल की बात नहीं है। नया विस्तार करेंगे, नए संबंध बनाएंगे, नई नई दुनिया अपने लिए और बनाएंगे, तो यहां पर तो पुरानी दुनिया से हमें अपने आप को समेटना है। नया विस्तार करेंगे तो बुद्धि उसमें जाएगी, अटैचमेंट उसमें जाएगा, वो विस्तार बढ़ जाएगा, तो परमात्मा में ध्यान लगेगा। शादी करेंगे तो संबंध बढ़ेंगे, राइट? तो इस तरह से एनालॉजी ये है कि कहा जाता है ये शुभ काम है, लेकिन वो शुभ काम जो कहे जाते हैं वो मेरी तपस्या के लिए, मेरे त्याग के लिए वो बाधा है। अभी वो लोगों ने सूक्ष्म में समझ लिया कि एक एक महीने में नहीं करना है, बाकी सब करते रहो। तो स्थूल का जो सूक्ष्म का जो अर्थ है वो नहीं समझा आत्माओं ने, और उसे एक रिचुअल बना के उसको फॉलो करना शुरू किया। तो शादी क्यों नहीं करनी है, मुंडन क्यों नहीं करना है, नया मकान क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप देखो ये सारी एक्टिविटी के अंदर अगर आपकी ज्यादा बुद्धि इन्वेस्ट होती है तो बुद्धि में से परमात्मा की एग्जिट हो जाती है। हो जाती है कि नहीं जाती है? मैं आप ही समझो कि अगर घर में शादी है और बहुत सारे मेहमान आएंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, टेक्स्ट करेंगे, बहन मेरे घर में शादी है ना, मैं मुरली क्लास में नहीं आ सकती है, टेक्स्ट करेंगे, करेंगे ना, कि मैं अमृत वेले नहीं आ सकती है, मेरे घर में शादी है। आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, मैं बोले दिस इज व्हाई अधिक मास के अंदर ये कहा जाता है शादी मत करो, बच्चा मत करो, फलाना मत करो, ढिकना मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, फोकस रहो, क्योंकि परमात्मा की याद के लिए एकाग्रता चाहिए, एकांत चाहिए, फोकस चाहिए, त्याग चाहिए, विस्तार नहीं चाहिए, सार चाहिए। और ये संगम युग की महिमा जो है वो परमात्मा हमें समझाते हैं कि संगम युग पे तुम्हें ये कर्म करने हैं, ये कर्तव्य करने हैं। और दूसरी बात कि ये प्रभु मिलन की वेला है, पुरुषोत्तम संगम युग जो है ये पवित्र परमात्मा का जो है वो गुप्त मिलन का योग का समय है, जहां पर आत्मा अविनाशी रुद्र गीता या ज्ञान यज्ञ के अंदर अपनी सारी कमी कमजोरियां और विकारों को स्वाहा करती है, और जब वो स्वाहा हो जाते हैं तो आत्मा अपने ही विकारों से मुक्ति को पाती है, और वो जब अपने ही विकारों से मुक्ति को पाती है तब वो गोलोक में जाने की एलिजिबिलिटी में आ जाती है। नाउ दे आर एलिजिबल टू गो टू गोलोक, और तब कृष्णपुरी के अंदर उस आत्मा की एंट्री होती है। तो ये जो भगवद गीता का जो एक श्लोक है वो पुरुषोत्तम योग के बारे में कहा गया है, युग के बारे में कहा गया है, सिर्फ ना सिर्फ एक महीने के बारे में कहा गया है। कहा जाता है पुरुषोत्तम योग, माना वो योग जिसमें आत्मा पुरुषों में भी उत्तम आत्मा बन जाती है। तो ये समय का वैल्यू है, इस समय की वैल्यू है, इस क्षण की वैल्यू है, और इसीलिए भक्ति में भी कहा गया है कि 100 यज्ञों का से भी ज्यादा पुण्य जो है ये इस समय में किए गए यज्ञ तप पूजा दान दक्षिणा ये सब का है। और ये जो दान देना है तो वो हमें 5 विकारों का दान देना है। तो ये जो है वो है पुरुषोत्तम मास की महिमा। तो आपके कोई क्वेश्चन है?
मना हम पुरुषोत्तम मास के ऊपर योग करेंगे। कौन सी दक्षिणा देनी थी सिस्टर? अच्छा दक्षिणा, देखो ऐसा होना चाहिए कि चलो भाई कथा तो हमने सुन ली, अभी दक्षिणा बोलो। ऐसे अगर हमारे पास क्या कहते हैं आप, वो जो दक्षिणा देते उसको क्या कहते हैं, श्रद्धालु, श्रद्धालु ही बोलते हैं ना, ऐसे श्रद्धालु होने चाहिए। कथा सुनी ना तो अपना बोझ हल्का कर देना है, राइट? कथा सुनी तो अभी दक्षिणा देनी है ना। तो मैं अपने घर का एड्रेस दे दूं? नहीं, ब्राह्मण का भी बोलते नहीं है, वो तो बोल ही देंगे जब हमारी पास छे। मतलब दक्षिणा के रूप में ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे घर पे आ जाना, ओके? अपने मन का एड्रेस दे दो। वैशाली बहन घर का एड्रेस आप ही दो, हमने हमें पहुंचा ही देसु। जो हमें कहा गया है कि एक महीने तक, तो आप में से कई हैं जो नए हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपनी यथाशक्ति से धारणाएं कर रहे हैं, राइट? तो कोई एक ऐसी धारणा करो जो मुझे आप दक्षिणा में दो, और जितने हैं 67 है ना, देखो भाग गए चार पांच लोग। जितने हैं ना उनके पास, सबके पास मेरा टेक्स्ट है, मेरा नंबर तो है, सबके पास है, राइट? क्योंकि आप ग्रुप में हैं, तो आप एक एक बात मुझे लिख के देना कि ये एक महीने में मैं ये 100% करूंगी। जो जिन्होंने अभी तक अनियन गार्लिक नहीं छोड़ा है, एक महीना अनियन गार्लिक नहीं खाएंगे। जिन्होंने जिन्होंने मीट नहीं छोड़ा है, वो मीट नहीं खाएंगे। जिन्होंने ड्रिंक्स नहीं छोड़ा है, वो ड्रिंक्स नहीं करेंगे। क्योंकि मैं सबको तो नहीं जानती हूँ ना, सबकी पर्सनल लाइफ आई डोंट नो। किसी ने जो है वो दान पुण्य नहीं किया है, तो दान पुण्य करेंगे। तन मन धन से जो भी यज्ञ की सेवा करनी है वो करेंगे। कुछ ना कुछ एक धारणा, एक के अंत में एक महीने तक मुझे एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी। सिस्टर जिसने सभी किया है उसका क्या करना है, उसे क्या करना है? कुछ तो ढूंढो। विकारों का दान करना है, गुस्सा नहीं। yes. वो तो सबसे व्यर्थ संकल्प का, व्यर्थ संकल्प समाप्त करना है। तो आप अपनी जर्नी को आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, राइट? तो वैसा कुछ दान मुझे दे देना, और देने के बाद वापस लेना नहीं, क्योंकि मैं वापस आपको टेक्स्ट करके दूंगी नहीं। रिटर्न टेक्स्ट नहीं करूंगी। लोग रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना घर पे आते हैं, तो यू नो बर्थडे गिफ्ट होती है तो क्या कहते, रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, तो वो गिफ्ट सब लोग टैक्स कर देते हैं, लिखते भी नहीं है कोई, लेटर भी नहीं भेजते हैं। हाँ। आजकल तो टैक्स या ईमेल से भेज देते हैं। एक ऐसी जो भी बात है, एक ऐसी बात कि चलो मुझे जो मुझे चीज अच्छी लगती है वो मुझे नहीं खानी है, क्या मैं त्याग कर सकती हूँ? एक बात जो बहुत अच्छी लगती है उसका त्याग करो। तो मुझे जब भी मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई, तो मुझे मुझे ऐसा, मैंने बहन को एक बहन को पूछा जो उस वक्त यू नो वहां पर क्या होता था, हम लोग क्लास में जाते थे ना तो हमारी प्रेजेंट मार्क लगती थी, तो वहां पर एक बहन होती थी, निमित बहन बैठती थी, और फिर अगर आपको कैसेट सुनने के लिए चाहिए, बुक सुनने के लिए चाहिए, तो वो देते थे। तो वो बहन को मैंने पूछा कि अगर मुझे बहुत फास्ट पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था 2000 में विनाश हो जाएगा और मैं रह जाएगी, तो 2 साल में अगर मुझे फास्ट पुरुषार्थ करना है तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने ऐसा बोला कि वैशाली वो चीज का दान दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, वो छोड़ो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। क्या छोड़ा था दीदी आपने? जो मैंने क्या छोड़ा था, मैंने गुस्सा छोड़ा था। क्या छोड़ा था दीदी अपना? गुस्सा, क्योंकि मैंने ये कहा था कि मैं गुस्सा छोड़ के रहूंगी, और मैंने 6 महीने में I रियली वर्क हार्ड ऑन इट एंड I was क्वाइट सक्सेसफुल, क्योंकि मैंने दान दिया था ना, तो फिर मैं इतनी सूक्ष्म कि देखो मेरी मगज की नस दब रही है, लाइक यू नो कोई लोग कहते हैं ना हमारी मगज की नस दबाते हैं ना, तो हम फट से रिएक्ट करते हैं, तो मेरा चेहरा बदल रहा है कि नहीं, मेरी नस में बदल रहा कि नहीं, मेरे संकल्प बदल रहे कि नहीं, मैं बहुत सूक्ष्मता में गई और बहुत मैंने अपने आप पे वर्क किया।
क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी और वो मेरे लिए बहुत इजीली यूज करती थी, मैं बहुत ज्यादा यूज करती थी, जिसे हम ज्यादा यूज करते हैं, जो मुझे बहुत, क्योंकि दान उसे कहा जाता है जो आपको पसंद हो वो दो, वो नहीं कि मेरे पास एक्स्ट्रा साड़ी पड़ी है तुम ले जाओ, उसको दान नहीं है, उसको दान नहीं बोलते हैं नहीं। और उस वो उसे दान बोल के अपने आप को फूल नहीं करना है। जो सबसे ज्यादा पसंद है ना वो करो। किसी को बहुत बोलना पसंद है, किसी को रोज फोन पे बहुत बातें करना पसंद है ना, तो ये सब छोड़ो। किसी को बहुत टीवी देखने की आदत होती है, किसी को कुछ भी, जिसके अंदर जो मेरा एडिक्शन बन चुका है, जिसके बिना मैं रह नहीं सकती, वो दान दो, वो दान दो। वैसा ही मुझे, आपको आपको लगा होगा हमको क्या पता था कि एक घंटे का क्लास सुनेंगे इतना देना पड़ेगा। हाँ, एक घंटे का क्लास सुनेंगे इतनी बड़ी दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं लगा था ना? और क्या होता है पता है, जब हम आपसे सबसे पसंदीदा चीज को छोड़ देते हैं ना, तो हम मालिक बन जाते हैं, विश्व का मालिक छोड़ के बना जाता है, विश्व का मालिक पकड़ के नहीं बना जाता है। ठीक है, तो अभी मेडिटेशन करेंगे। वैशाली बहन, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा ना कि नए घर में प्रवेश नहीं कर सकता, अगर नए घर में प्रवेश नहीं करना पर नए घर के लिए डिपॉजिट पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बहन, आप नए घर में जा सकते हैं, कोई जीवन की एक एक घड़ी शुभ है, और अधिक मास को तो इतना, जब पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा का इतना आशीर्वाद है, उसकी इतनी कृपा है, ब्लेसिंग है, तो आपका कार्य सफल हुआ पड़ा है। आप जरूर करो सिस्टर, मुझे तो पूरा संगम योगी अधिक मास लगता है। हाँ, तो वही हुआ ना, अधिक मास का जो हमने आपको एनालॉजी समझा, इट इज ऑल अबाउट, एक वहां पर शास्त्र में महीना बताया है, लेकिन परमात्मा जब आते हैं तो उस युग को ही पूर्ण पुरुषोत्तम का युग कहा जाता है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम। आप जो भी करते हैं ना इस समय में, उस सारा जो है वो आपका पुण्य के खाते में जाता है। आपने बिगिनिंग में जो मेडिटेशन किया, आपके पुण्य के खाते में गया गया पुण्य के खाते में गया गया। पर वैशाली बेन, साचे साच पूछो ने तो अत्यार सुधी में अधिक मास नु थोड़ू खबर हती, पण आ संगम युग नी बधी वातो सांभळ्या पछी आजे अधिक मास नी समझ वधारे पड़ी। बाकी एवं हतुं, मारा मदर कहता के अधिक मास मा खास करीने भगवत जी ने वांचवानुं एवी तेवी थोड़ी खबर हती, पण आटली डिटेल मा एनी कम्पेरिजन करी अने जे तमे समझायुं, तो संगम युग जाण्या पछी आ पुरुषोत्तम युग વધારે સમજાયો રાઈટ એવું મને લાગ્યું। ઓકે, ચલો હમ મેડિટેશન કરતે હૈ પુરુષોત્તમ યુગ કા, ઓર કલ સુબહ યે સંકલ્પ, આજ રાત કો હી સોને સમય યે સંકલ્પ કરકે જાના કી મુજે ક્યા છોડના હૈ, મુજે ક્યા દાન દેના હૈ, ક્યોંકિ અધિક માસ કા મહત્વ હૈ। तो अधिक मास का महत्व है ना, तो इसलिए है क्योंकि उस समय सभी आत्माओं के मन के मन की तार जो है वो परमात्मा से जुड़ी होती है। अगर हम इसे एक साइंटिफिक रीति से ले तो एक, जब हमारा माइंड है वो हर एक का माइंड जब कॉस्मिक एनर्जी के अंदर, एक ही थॉट के अंदर, क्योंकि माइंड इज एनर्जी, माइंड इज अ पार्ट ऑफ अ सोल एंड सोल इज अ एनर्जी, so when that energy throws the same kind of energy all together it has a power, और इसी के इसलिए इसको यज्ञ कहा जाता है, और इसीलिए इसमें जो स्वाहा करेंगे, दान दे देंगे, वो सफल हो जाएगा। अगर सफल करना है तो यही अधिक मास है, यही समय है। ठीक है, चलो वैशाली बहन। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये विष्णु भगवान का महीना है, कृष्ण भगवान का,
उसमें बाल कृष्ण भी आते हैं। कृष्ण की जो है वो बाल लीला यही गाई जाती है ना, लेकिन हमारे लिए वो कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण जी जो है वो हमारा एम ऑब्जेक्ट है कि हमें उसकी नगरी में जाने के लिए इस संगम युग के अंदर अपने कर्तव्यों को और कर्मों को परिवर्तन करना है। सिर्फ कृष्ण की पूजा करके आरती करके प्रसाद लगा के हम गोलोक में नहीं जाएंगे, उसकी आरती करके अगरबत्ती चढ़ा के गोलोक में एंट्री नहीं मिलती है। उसके जो बताए हुए रास्ते पर जाकर उसका पालन करके उसका व्रत लेकर उसका जीवन ऐसा बना कर हमें गोलोक में एंट्री मिलती है और उसी को मुक्ति जीवन मुक्ति कहा जाता है। ठीक है, मन ऊपर ज मन ने केवी रीते તમારે વાડવાનું ઈચ્છે બધાય જ કે ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ। વૈશાલી બેન એક વસ્તુ કહું, આઈ નો મેં એક વખતે છે ને મારી ફ્રેન્ડના મધરે કીધું તો મેં એકલા મગ ખાવાનું એટલે ઉપવાસ નતો કર્યો, પણ બીજા કટો બીજું કશું નહીં, મગ અને સાતના દિવસમાં બે વાર ત્રણ વાર જે ખાવું હોય સો મગ ફ્રૂટ બધું એમ, પણ બીજું કશું નહીં ખાવાનું એમ, તો એવી રીતે ઉપવાસ તો નહીં ડુંગળી નહીં લસણ નહીં કશું જ નહીં। So it's like a body matter, brain matter, but the matter. It is also good for detoxing. People intermittent fasting. Now, our fashionable word aavi gaya, to apna upvas je chhe, ena bada fashionable word and a scientific philosophy. Scientific philosophy ke saath upvas karna hai, wo philosophy ko abhi intermittent fasting bol diya. And mentally bhi kaan ke tamhe bicho badu khawanu man na tha, etle tamaru brain concentrate kari sake, right? જે ભાવે ને એ છોડી દો, નહીં ખાઈ નો એટલે એટલે કઈ બી વસ્તુ એમ એ રીતે, તો એટલે પછી ભાવે ન ભાવે પસંદ હે નહીં પસંદ હે ઉસકે બહાર જાના હે, પસંદ ભી હે ઓર નહીં ભી પસંદ હે, હો તો ભી ચલેગા નહીં હોગા તો ભી ચલેગા, મેરી સ્થિતિ ઉસકે બિના ખરાબ નહીં હોની ચાહીએ, યે હે તો મજા હે, दाल रोज दाल दाल रोटी चाहिए, वो ये चाहिए वो चाहिए, इसके अंदर इतना ही नमक चाहिए इतनी शुगर होनी चाहिए, हमारे में तो खट्टास चाहिए ना गड़ास चाहिए ना, खट्टास नहीं है तो भी प्रॉब्लम, गड़ास ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम, ये सब इससे बाहर है चलेगा नहीं है बल्ले बल्ले। ठीक है, yes. सभी बातों और सभी भय और सभी प्रश्नों के पार अपनी स्थिति में स्थित हो जाए। मैं प्रश्न चित्त नहीं, मैं प्रसन्न चित्त हूं। कल से एक नई सुबह की शुरुआत होगी, वो सुबह जिसके हर पल पे मेरा अधिकार है, उसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने का मेरे पास खुला अवसर है। परमात्मा ने मुझे बहुत
बहुत बड़ी तकदीर है। जिस तक से मैं अपनी तकदीर बनाने वाली, मेरी तकदीर की कलम आज मैं लेकर बैठी हूं। नदी के किनारे खुले आसमान के नीचे पीपल के पेड़ की छांव में ठंडी हवाओं के झोंके में हाथ में कलम लेकर मैं अपना भाग्य लिख रही हूं। परमात्मा की साक्षी में अपने भाग्य को लिखो। ये पुरुषोत्तम का समय है। इस समय को परमात्मा का आशीर्वाद है। अगले पल में वो लिखो जो अपने भाग्य में आप देखना चाहते हैं। लिखते जाओ। और महसूस करो कि भगवान ये भाग्य बांटने बैठा। और जो भी मैं लिख रही हूं वो सत्य होता जा रहा है। अब जो भी मैंने लिखा है वो मैं ईश्वर को समर्पित करती हूं। और ईश्वर अपनी कलम से लिखता है तथास्तु। ईश्वर का हाथ मेरे सर पर है।
उनकी आशीर्वाद की किरणें मेरे मस्तिष्क से, मेरे संपूर्ण अस्तित्व में फैलती जा रही है। और मुझे परमात्मा वैंकुट का दर्शन करा रहे हैं। मेरी नजर अपने पैरों पर है, और मेरे कदम वैंकुट के द्वार पर जो कभी न स्वप्न में देखा था वो सत्य बनता नजर आ रहा है। नई दुनिया, नया जन्म, सब कुछ नया। मैं भी नहीं, मेरा जीवन भी नया। शांति।